सो हेलो बच्चा पार्टी, आज एक नई वीडियो आ गई है। पार्ट फोर है ये। पार्ट फोर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है यार। देखिए करें क्या, मैं चाहता तो यार 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, पर अगर डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वीडियो बने पर थोड़ी सी अच्छी बने, कंटेंट थोड़ा सा अच्छा रहे कि कोई भी इन फ्यूचर कोई पढ़े तो उसे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो जाती हैं थोड़ी सी, मैं बातें ज़्यादा करने लग जाता हूँ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अब एक चीज़ और बता दूँ थोड़ा सा मैं आपको, क्या चीज़ कि भाई साहब हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, 1.3 पहले पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, 1.3 पहले क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भैया का मन कर रहा था, भैया का मन क्या कर रहा था कि पहले रेशनल नंबर सारा खत्म कर लेते हैं फिर इरेशनल में पहुंचेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी जब समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, जब मैं इरेशनल समझाऊंगा ना, अभी क्या करो, बस शांति से आप वीडियो देखो, पहले समझो चीज़ों को, जो चल रही है वो समझ लो, क्योंकि 1.3 भी तो करनी है ना हमें। 1.3 भी करेंगे, 1.2 भी करेंगे। तो मैं पहले 1.3 करवा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 1.3 पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर 1.2 पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, आपको भी लगेगा हाँ यार भैया ने सही सोच के किया है, ये आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं ये कि रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का हो सकता है, डेसिमल, डेसिमल पता है ना, डेसिमल भाई साहब पॉइंट, कभी भी कुछ भी हो जाए पॉइंट। कैसा पॉइंट, देखो मैंने बोला 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75, मतलब 3/4 मेरा रेशनल नंबर था जो कि 0.75 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया। बस यही है, यही है क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग तो डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे, हम ज़्यादा टाइम देने वाले बच्चे। तो क्या करेंगे भाई साहब, कोई भी मैं बोल सकता हूँ एवरी रेशनल नंबर क्या होगा, एवरी रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो एवरी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेसिमल के फॉर्म में। सिंपल, कैसे कर सकता हूँ अब तुम्हें इधर पता हो जाना चाहिए, अभी तक तो रट चुका होगा जिसने तीनों वीडियो देख ली हैं। पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। हाँ, घर में अंकल आए थे समझा दिए थे आप लोग कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। अब देखो आगे, इधर ना हमने दो पैटर्न देखा यार, दो पैटर्न क्या था देखो बताता हूँ। देखो मैंने इधर एक पैटर्न देखा, पहला पैटर्न देखा जब भी मैं पी बाई क्यू को डिवाइड कर रहा था, मतलब एक नंबर क्या होता है ये देखो, अभी मैंने दिखाया था आपको, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले बता देता हूँ होता क्या है। मतलब मैंने मान लो कोई नंबर डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आया, जैसे अभी इस वाले केस में लूँ मैं, 3/4 लिया था मैंने डिवाइड किया तो 3 लिया, फिर मेरा डिवाइड नहीं हो रहा था पॉइंट लिया तो 0 आ गया, फिर मैंने क्या किया 7 कर लिया तो 28 आया, फिर मेरा 2 बच गया पॉइंट ले रखा था 0 मिल गया, फिर 5 किया 20, फिर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैंने क्या किया, कभी भी हमारा पी बाई क्यू था तो उधर रिमाइंडर क्या आ रहा था, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा था। और एक और केस ले लो, लो 2/3 लेना जरा, 2/3 को मैंने डिवाइड किया तो मैंने पॉइंट लिया 0, फिर 6 करूंगा 18, फिर बच गया 2, रिमाइंडर देखो 0 नहीं हो रहा, फिर 6 करना पड़ेगा मुझे 18 लेने के लिए, फिर से 2 बच गया। मतलब इसमें चलता जाएगा, ये आप देखोगे ना तो चलता जाएगा, इसमें 6 6 6 6 6 6 आता जाएगा। इधर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, पर ये क्या रेशनल नंबर है, हाँ है भैया, क्यू से दिखाओ भाई साहब, क्यू से ये भी कि रेशनल नंबर है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया क्या कीज कि अगर मेरा क्या हो, एक बार क्या हो रहा था रिमाइंडर मेरा 0 जा रहा था, एक बार क्या हो जा रहा था रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो रहा था, तो इन दोनों को कहते क्या हैं, कहते क्या हैं देखो। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो गाड़ी रुक जा रही थी, इसके आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही थी, गाड़ी बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही थी, तो क्या बोल देते इसे, टर्मिनेट हो जा रहा है नंबर, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अब गाड़ी, दूसरी गाड़ी देखी, इसमें तो भाई नंबर गाड़ी रुकी नहीं रही, गाड़ी चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, तो ये क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट बोल दो या टर्मिनेटिंग बोल दो, मर्जी तुम्हारी है। पर इसमें एक और चीज हम मैंने देखी, क्या हो रहा है, 6 6 6 6 6 6 6 बार बार 6 6 आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा भैया, ये रिपीटिंग भी है, क्या है, रिपीटिंग भी है।
हमारे रेशनल नंबर जो डेसिमल में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होते हैं? पहला पहला होता है टर्मिनेट, मतलब नंबर जाके रुक जा रहा होगा। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। दोनों के एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं टर्मिनेट वाला एग्जांपल लेता हूं। ये लिखना है, लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। पहले मैं टर्मिनेट समझाता हूं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगा, देखो क्या होता है। मैंने आपके लिए तीन एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 1/4। दूसरा एग्जांपल ले लूं, दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं 5/8। तीसरा एग्जांपल ले लूं मैं 2/3/5। देखो अब तीनों टर्मिनेटिंग है कि नहीं चेक करो। ऐसा कोई नंबर दे देगा, पूछ लेगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो टर्मिनेट मतलब जीरो, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। चलो इसमें चेक करके देखते हैं। तो मुझे पता है 4 को करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर 2 8 हो जाएगा, फिर 2 फिर 5 आ जाएगा। तो इसमें 0 आ गया, टर्मिनेटिंग वाला है भाई, टर्मिनेट हो जा रहा है। कब टर्मिनेट हो जा रहा है? ये किसके इक्वल है? 0.25 के बराबर है। टर्मिनेट हो गया ना, तो एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसमें चेक करते हैं, 8 से किया 50 अंदर, 5 अंदर पॉइंट लिया 50, फिर क्या करेंगे भाई साहब? 50 है तो उससे छोटा 6 48 बचा गया 2, फिर पॉइंट मिला हुआ है, और क्या करें, और क्या करें जल्दी बताओ? अरे 20 है भाई, उससे छोटा लो ना, 2 16 बचा क्या 4, पॉइंट मिला हुआ है 4, लो 5 40, चलो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये किसके बराबर गया? 0.625। ये भी टर्मिनेट कर गया यार, मतलब ये भी किसका एग्जांपल? टर्मिनेटिंग एग्जांपल। इसे लो भैया, इसे सॉल्व करना नहीं आता। भाई साहब क्या कर रहे थे छोटी क्लास में? करते क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे प्लस, तो 5 2 10 10 प्लस 3 भाई साहब 11 नहीं होता, 13 होता है, 13/5 डिवाइड करो, चेक करो, अब करो चेक, 2 10 बचा कितना 3, पॉइंट लिया 6 क्या आ गया 2.6, इधर भी रिमाइंडर क्या 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ, तीनों एग्जांपल मेरे कैसे निकल गए? ये तो यार मेरे सारे तीनों एग्जांपल टर्मिनेटिंग निकल गए। एग्जांपल लिख लो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसे होते हैं डेसिमल में देख लो। ये देखो रेशनल नंबर था, पी बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेट हो रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेट हो रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की, लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत सारी चीज बची हुई है, कुछ नया नया चीज बताऊंगा मैं इसमें जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज, नॉन टर्मिनेटिंग से पहले बढ़ने से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कब मिलेगा वो? 10th क्लास मिलेगा, भैया की आदत, आगे चल के पढ़ना है, क्यों ना अभी पढ़ लें, पढ़ लेते हैं। छोटा सा है क्या, अगर मैं देखूं, अभी मैंने क्या देखा, नीचे 4, फिर मैंने क्या देखा, नीचे 8 है ना, और क्या देखा मैंने, और क्या देखा था, 13/5। अगर मैं इसे तोड़ूं, किसे तोड़ूं? डिनोमिनेटर को तोड़ूं। देखो डिनोमिनेटर को तोड़ना है, ऊपर वाले से मतलब नहीं, मैंने हमेशा बोला था, उसमें भी सीख रहे थे हम लोग फ्रैक्शन वाले में, डिनोमिनेटर को पकड़ो, वो सेम करो, बात बराबर करो, मतलब डिनोमिनेटर ही दिक्कत देता है, उसी को पकड़ो। 4 को तोड़ा मैंने, क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2। 8 को तोड़ा, क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ ना आपके लिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ वो दिखाऊंगा आपको, सीखने के लिए मिलेगा भाई साहब, टाइम दो, टाइम दो बस। 5 × 2 × 2 × 2, और आगे करो, और क्या था, 13/5, और इसमें क्या था, 13/5 में 5 था। अब देखो इसे एक जादू दिखा रहा हूं, 2 2 है ना, तो 2 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, बोलोगे हाँ भैया नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, 2 2 था ना, इसे थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं आपके लिए, 3 था ना, इधर 3 से कर दो, थोड़ा सा टाइम दे दो भाई साहब, थोड़ा सा बस, 10th क्लास में मजा आ जाएगा आपको, बोलोगे अच्छा हुआ भैया ने बता दिया था। इधर 2 है ना, 1 2 दे दे, इधर 5 है ना, 2 दे देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों क्यों क्यों, देखो रीज़न, सबका एक रीज़न है, 2 × 5 नीचे बन जाएगा 10, एक 10 बन गया इससे और एक 10 बन गया इससे, ऊपर क्या आया, 5 × 5 25 आया, और इसका आंसर क्या आया, 25/100। अब इसे लिखोगे कैसे, 0.25, लो यही आया था साइंस से इसका आंसर। देखो अब देखो इधर भैया क्या बता रहे हो, ये फालतू चीज है ना, देखो काम आएगी अभी, देखो इधर ये 2 10 बन जाएगा नीचे, ये 2 10 बन जाएगा, ये 2 5 के साथ 10 बन जाएगा, ऊपर क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है 125, इसका मतलब होता है 625, तो चारों बार मिलाओगे तो ये 625, और नीचे 1000 आ चुका है, नीचे 1000 आ चुका है,
और 1000 मतलब तीन बार पॉइंट के बाद जीरो लो। इसका आंसर भी कुछ ऐसा ही आया था, भैया ये क्या कर दिया आपने, इतना आसान, मुझे डिवाइड करना ही नहीं पड़ रहा, बस 2 और 5 मल्टीप्लाई करके आंसर मिल रहा है, देखो इधर करो इधर करो, ये क्या आ गया 26/10 आया, और आंसर क्या आया था 2.6 आया था, लो। ओहो इतना लंबा डिवाइड करना पड़ रहा था, आपने तो जल्दी कर दिया। क्यों जल्दी कर दिया, तो इधर एक चीज दिखा रहा हूं मैं बाबू आप लोग को, क्या दिखा रहा हूं कि अगर मेरा क्या हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10th क्लास में मिलेगा आपको प्रॉपर्टी और बोलोगे हाँ मजा आ गया पहले ही पढ़ लिया था। देखो अगर नीचे मेरा डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 हो, या तो 2 हो, देखो इधर सिर्फ 2 था, मैंने 5 ले आया, तब वो क्या बन जा रहा था, रेशनल नंबर बन जा रहा था, या डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दे रहा था मैं, टर्मिनेटिंग मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बनने से पहले टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा और देख लो, तो टर्मिनेटिंग में देखो नॉन टर्मिनेटिंग वाला देखेंगे टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, जब मेरा 2 था तो मैंने 5 ले लिया, या तो डिनोमिनेटर में क्या हो 2 हो, इधर भी 2 था इधर भी 5 था, तो या तो 2 हो या तो 5 हो या तो बोथ हो, बोथ 2 और 5 हो, तो 2 वाले पे भी मैं क्या बना दूंगा, इसे रेशनल नंबर बना दूंगा, 5 अगर नीचे हुआ तब भी बना दूंगा, अगर दोनों हुआ तब तो वाह वाह, दोनों कैसे हो सकता है बाबू, दोनों नीचे 10 ले लो, कोई नंबर डिवाइड करोगे 10 से आ जाएगा, मान लो कैसे एग्जांपल मैं इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा, यार यही ले लो ना, नीचे देखो 10 होता तो 10 को मैं 2 × 5 में नहीं तोड़ सकता था, तो ये पहले से मान लो ऐसे 2 × 5 में तोड़ लेता और नीचे आता, फिर वही हम लोग 2.6 कर सकते थे ना, तो अगर नीचे क्या हो, दोनों हो जाए तो सुहाने पे सुहागा, एक हो तो हम दूसरा मल्टीप्लाई कर लेंगे बनाने के लिए, 3 थे 3 ले लिया, क्यों मुझे नीचे 10 बनाना था, क्योंकि 10 बनाते मेरा आसान से आराम से मैं डिवाइड कर मतलब इंटू करके पॉइंट लगा दूंगा, इधर 2 थे इसलिए 2 5 ले लिए आराम से, समझ आ जाना चाहिए, नहीं समझ आया प्लीज थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी होती है ठीक है, कि हमारे क्या होता है डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में कुछ हो, मतलब या तो 2 हो या तो 5 हो या तो उनकी पावर में हो या तो दोनों हो जाए, तब वो कैसा होता है डेसिमल, क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, सिंपल अगर मैं बोलूं ये अगर नीचे मेरा क्या हो 2 और 5 हो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 हो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग होगा, कोई एक भी होगा, देखो इसमें एक था मैंने बना लिया, इसमें भी एक था बना लिया, इसमें भी एक था 5 था तो बना लिया, दोनों होंगे तो बहुत बढ़िया ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कैसे बना सकते हैं कि डेसिमल में अगर मेरा 2 और 5 हो तो मैं क्या कर लूंगा, अगर उसके फैक्टर इसके अलावा नहीं होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा नहीं होने चाहिए, याद रखना डेसिमल में अगर मैंने बोला मैं कोई नंबर ले रहा हूं, मैंने बोला 7/9, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा भाई, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ये 2 और 5 में नहीं टूट रहा, ये 3 × 3 में टूट रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तुम्हें नहीं चेक करना, चेक करके देख लो 9 है ना, 7 जा किया पॉइंट लूंगा, 0 मिल जाएगा, 70 है, 70 से छोटा कितना होता है 7 जा ही होता है 63, बचा 7, फिर पॉइंट मेरा मिला हुआ है लो 7 7 7 7 7 7 चलता जाएगा, टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इधर मेरा 3 × 3 था, 2 और 5 नीचे नहीं था भाई, डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं था, जिसमें 2 और 5 हो वही टर्मिनेट होगा, ये बस एक ऑब्जर्वेशन था हमारा, यही दिखाना चाहता था मैं ठीक है, तो थोड़ा सा और टॉपिक चल के मैं पढ़ाऊंगा ही 10th में ठीक है, ये अभी याद रख लो, 10th में मैं रिपीट करूंगा, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए उनको मजा आ जाएगा ठीक है, तो आप चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, जल्दी से लिख लो, नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लेना ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करो भैया से पूछो, भैया बता देंगे आपको, चलो मिटा रहा हूं मैं। अब बात आती है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली बात, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली, अभी एग्जाम्पल लिया था 1/3, देखो 2/3, अब ना इधर एग्जाम्पल ऐसे देखोगे ना जिसके नीचे 2 और 5 है ही नहीं, अगर होगा भी ना तो उसके साथ 2 और 3 2 कोई और नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, देखना आपको दिखाऊंगा मैं, देखो इसका करोगे सॉल्व को ये 0.333333 आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 0.666666666 आएगा ठीक है, और मैंने 3/11 लिया, 3/11 को करोगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं, 11 बाहर पटको 3 अंदर, पॉइंट लिया 2 जा 22, बचा 8, फिर 7 जा किया 77, फिर आ गया 3, फिर वही सेम प्रोसेस चलता जाएगा, मतलब 2 7 2 7 2 7 रिपीट होता जाएगा, आपको यकीन नहीं होता भैया साहब सब कर लो ठीक है, पॉज करके वीडियो कर लो, मर्जी आपकी है, ये 2 7 2 7 रिपीट होता जाएगा, अब ये रिपीट हो रहा है यार,
कहां तक रिपीट करके लिखेंगे भैया, हमेशा थोड़ी लिखते रहेंगे। तो कुछ बताओ जिससे शॉर्टकट मिल जाए। तो शॉर्टकट क्या है भैया, जो रिपीट हो रहा है, थ्री रिपीट हो रहा था ना, उसे लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो। इधर क्या हो रहा था, सिक्स रिपीट हो रहा था ना, तो उसके ऊपर क्या लगा दोगे, सिक्स को लिखो और उसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। इधर क्या रिपीट हो रहा था, 0.27 रिपीट हो रहा था ना, 27 के ऊपर बार लगा दो। क्लियर है? तो इधर क्या देख रहे हो तुम, तुमसे ना क्वेश्चन कैसे बोलेगा, वो क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा भाई साहब ये दे देगा तुम्हें और बोलेगा इसे फॉर्म करके दिखा दो पी बाय क्यू के फॉर्म में। क्वेश्चन तो ये आने वाला है, ये सारी जितनी कहानी है सब तो बस सीखने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो ये आएगा कि भैया ये ऐसा नंबर है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दो। तो इसे जब हम लोग अभी प्रूव करना सीखेंगे कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, तो 1/3 कैसे आएगा वो भी देखेंगे, आएगा भी 1/3। चलो इसी को एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नंबर टर्मिनेट नहीं करता प्लस रिपीट करता है। देखो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें क्या होगा भाई, नीचे देखो, नीचे कहीं नहीं है, देखो 11 है, 11 को तोड़ पाओगे 2 और 5 में, नहीं तोड़ पाऊंगा। 3 को तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। 3 को तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। तो इधर 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये चीज बताई किस लिए थी, क्योंकि देख के आप पहचान लोगे भाई साहब वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, लिखना है, लिखो एग्जांपल में मिटा रहा हूं। एक अच्छा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल प्लस एक नई चीज, छोड़ना मत वीडियो को भाई साहब, बहुत सारी चीज बची हुई है अभी, मजा आएगा मजा। देखो पढ़ने में समझ आने लग जाता है तो मजा आता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ ना आ रहा हो, उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉन्टेक्ट करो। कॉन्टेक्ट करोगे तो भैया ज्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे। क्या चीज नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे को सही बात है हर चीज नहीं आती है, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी ग्रैप्स कर लेता है, कोई लेट कर पाता है। तो मुझे तो यार इधर सबको पढ़ाना है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको डाउट, अगर कुछ लगता है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी जैसे नहीं समझ आ रहा वो कोशिश करो पीछे वाली वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि 3 पार्ट बन चुके हैं, आपने 3 पार्ट नहीं देखे इसलिए भी समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे। मैं क्या बता रहा था, एक अच्छा एग्जाम्पल ले रहा था। एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, लो 15/7 लिया मैंने एग्जाम्पल। देखो यार इसे डिवाइड करने में हालत थोड़ी खराब होगी, लंबा जाएगा ना, क्यों जाएगा देख लेते हैं। 7 है 15 है, चलो मुझे लगा 2 जा, मैंने कर दिया, फिर 1 बचा, पॉइंट लेना पड़ा, फिर 1 जा आया 7, फिर बचा 3, फिर क्या करोगे, फिर पॉइंट, 4 जा 28, फिर आएगा 2, फिर कितना 2 जा 14, फिर आएगा 60, फिर कितना 8 जा 56, फिर बचेगा 4, फिर 5 जा 35, बचा 5, हाँ 5 बचा, 5 जा फिर 7 जा, फिर क्या आ गया 49, फिर आया 1, फिर ये 10। तो इस वाले पार्ट पे मैं रुक जा रहा हूँ, आपको आगे करके देखना हो कर लेना, बिकॉज देखो 10 वाला फिर से इधर स्टार्ट हो जाएगा वही चीज़। तो कितने स्टेप में स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में ये सारा चीज़ कंप्लीट हुआ, जो कि 7 से छोटा था। तो इधर कितने बार, अगर मैं इसके आगे कोई बोले तुम्हें भाई साहब लिख के दिखाओ, मैं तो लिख के दिखा दूंगा, आप लिख सकते हो तो लिख लेना। देखो वो बोलेगा भाई साहब देख मैं इतना बता देता हूँ, इसके आगे क्या आएगा बता दे तू मुझे। मैं बोलूँगा रुक जा, मैंने भी पढ़ा हुआ है एडविक क्लासेस से, है ना भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लो इसके आगे लिखना हो तो क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 5 8 7 5 8, देख लो 8 5 जो भी हो देख लेना, ये हमारा नंबर सेम। मैम मैंने क्या बोला था भाई, सेम आ जाए तो क्या कर देना, अच्छा दिखने के लिए उसके ऊपर टोपी पहना देना, जिसे हम लोग बार बोल देते हैं, पहना दी टोपी। चलो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बार बोलते हैं, इसे बोलते हैं वो हुक्का बार वाला नहीं, ठीक है, बार, नॉर्मल बार। अब इधर मैं सिखाने क्या वाला था, इतना बड़ा एग्जांपल देख के आपको डिवाइड तो नहीं सिखा रहा था मैं, क्या सिखा रहा था मैं, ये चीज सिखा रहा था, अगर मेरा कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, जैसे इधर 1/7 था, मान लो ये 15/7 था ना, क्या था नीचे 7 था ना, तो जो डिवाइड वाला नंबर रिपीट हुआ वो उससे छोटे नंबर में भी रिपीट होना शुरू हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला था 1/3 देखो एक बार में रिपीट होना शुरू हो गया था, मैंने लिया था 3/11, देखो वो भी दो बार में रिपीट होना शुरू हो गया था। तो कभी भी अगर नीचे 11 है ना,
तो जो रिपीट वाले नंबर होंगे वो 11 तो नहीं हो सकते, 10 ही होंगे, 9 ही होंगे, मतलब ये जो रिपीट हो रहा है इधर तो दो ही बार में हो जा रहा है, इधर एक ही बार में हो जा रहा है, पर इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या देखा, इधर तो 6 बार में हो जा रहा है। तो आपको कभी एक ऐसा एग्जांपल कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको चेक करना है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 1/17 चेक करके देखना, ठीक है। 1/17 में भी देखना आपको क्या होगा, 17 बार नहीं होगा, वो एक कमी होगा, मतलब 17 से कम बार में ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि 17 में 2 और 5 तो आएगा नहीं, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, और 1/17 भाई रेशनल नंबर तो है, मतलब बचा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कितने डिजिट में होगा, वो 16 डिजिट में होगा, याद रखना। जैसे इधर 7 था ना, तो ये 6 डिजिट में हो रहा था, ये 7 डिजिट में हो ही नहीं सकता। तो बस यही हमने एक और चीज ऑब्जर्व की कि कभी भी नीचे, मैंने बोला अगर मैं बोलूँ 1/7 1/n है, तो हमेशा उसके जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो उसमें से एक कम होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल बोलो, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग बोलो, टर्मिनेटिंग सही वर्ड नहीं है, रिपीटिंग वाला चीज, रिपीटिंग वाला n माइनस 1 होगा। अगर कोई 1/n डिवाइड हो रहा है, मतलब इधर 7 डिवाइड हो रहा था तो वो 7 में से कम आ रहा था 6, अब ये 6 आ रहा है ना भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, लो एक और टर्म जो एनसीईआरटी में कभी नहीं बताया हुआ, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। इस वाले नंबर के लिए लेंथ कितनी है, 1 है, इस वाले नंबर के लिए लेंथ कितनी है, 2 है, मतलब जितनी बार वो रिपीट हो रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ पीरियड कहलाती है। इस वाले केस में 6 लेंथ ऑफ पीरियड है, इस वाले केस में 1 है, इस वाले केस में 2 है, ये कहीं काम आने वाला नहीं है, बस याद रखना कि भाई लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, लेंथ ऑफ पीरियड कितने बार में वो नंबर रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, प्लीज़ आपको करना क्या, पढ़ना ही है सिर्फ यार, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ कवर करूँ, क्योंकि जब बच्चे नहीं देखते ना, छोड़ के चले जाते हैं, तो मैंने ऐसा हो जाता है कि यार छोड़ो, किस लिए बताना है सारे बच्चों को, जैसे और बच्चे गड्ढे में जा रहे हैं, जाने दो उन्हें भी, तो वो वाला नेचर मेरा है नहीं, मैं तो अपना ट्राई करता ही रहूँगा, मैं सब चीज़ सिखाऊंगा, जिसे सीखना होगा वो सीखेगा, जिसे नहीं सीखना वो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना फ्यूचर बाद में खुद ही पता चल जाएगा उसे, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से सारा चीज़ खत्म कर दिया है मैंने, अब एक चीज़ बस इसमें बची हुई है, क्या चीज़, प्रूफ करना सिखाना, जैसे ये प्रूफ करना होता है ना, कि ऐसा नंबर दे दिया उसे प्रूफ करके दिखाओ, जो मैं बता रहा था वो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, टॉपिक वाला खत्म होगा, चैप्टर तो खत्म नहीं होगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला, फिर 2 और 5 वाला, प्लस अभी वाला लेंथ ऑफ पीरियड। तो 4 टॉपिक पढ़े हैं, रिमाइंडर 0, दूसरा नहीं 0 हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, फिर हमने देखा अगर नीचे 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, फिर हमने देखा बार वाला कॉन्सेप्ट, फिर हमने देखा ये कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो कभी भी टॉपिक बना लो 1, 2, 3, 4, फिर रिपीट करो दिमाग में, हाँ इस टॉपिक में नहीं ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये पढ़ा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये सारा चीज़ मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी होती जाती है, क्या करते हैं हम लोग एक और पार्ट बना लेंगे, फोर्थ पार्ट में तो हमने ये सारा चीज़ पढ़ लिया, फिफ्थ पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत बता दूंगा, देखो अब की बार मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब मैं आपको क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो एनसीईआरटी भी कवर कर दे और जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी कवर कर दे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा सबके पार्ट पार्ट, जैसे हमने पहले टर्मिनेटिंग वाला देखा था, तो टर्मिनेटिंग का एक क्वेश्चन कर लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का कर लेंगे, ठीक है। फिर वो प्रूफ वाला बचा हुआ है, प्रूफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.3 एक्सरसाइज के लिए, मैं कोशिश करूंगा सारा चीज़ कवर करने के लिए। फिर अगर नहीं हो पाता, अगर उसमें भी लगता है हाँ वीडियो लंबी हो रही है, तो हम लोग एक और पार्ट बना लेंगे। क्यों, हर चीज़ को काइजन प्रिंसिपल, जापानीज़ का एक काइजन प्रिंसिपल है, वो क्या करते थे, हर काम को इतने छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं कि उन्हें वो काम ही काम नहीं लगता। तो वैसे वीडियो देखो, कभी भी देख रहे हो ना, तो क्या करो, टारगेट बना लो मेरे दिमाग में कि आज मुझे 2 वीडियो देखनी है, आज मुझे 1 वीडियो देखनी है, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आज ही मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो कभी ऐसा, कभी बहुत सोचोगे ना पूरा चैप्टर एक ही दिन में बैठ के पढ़ना है, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, घुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा दिमाग में। तो हमेशा क्या करो, हर टास्क को छोटा छोटा टुकड़े में बांट लो, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा बकरा खाने के लिए दे दूँ तुम्हें, ठीक है, बकरा खाने के लिए दे दूँ क्या होगा, नहीं खा पाओगे। तो एक स्टोरी भी है बहुत पहले की, स्टोरी सुनाऊँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बाद में सुनाएंगे गर्मी की छुट्टी में, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर, तब तक के लिए बाय।